नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज क्या है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सावधानी पूर्वक करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति पे आपको बिलीव नहीं करना है, जिससे क्या होगा, अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति पे बिलीव करोगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा तो आपकी वेल्थ तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा है वो पैसा भी आपका डूब सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट बताऊंगा सेबी रेगुलर बेस पे क्या करता है, इन्वेस्टर के हित में नए नए फैसले लेके आता है, नियम लेके आता है। ऐसे ही सेबी ने क्या करा है दोस्तों, एक स्टॉक है वहां पे उसने भारी पेनल्टी लगाई है। अब क्यों लगाई है कंप्लीट वीडियो वॉच करना। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कल को ये दिक्कत परेशानी आपको भी हो सकती है, इसलिए 2 मिनट का टाइम निकाल के कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब दोस्तों क्या होता, सबडीम व्यापार उद्योग के शेयर में क्या कराता, सेबी ने 11 लोगों पे 7.75 करोड़ का क्या करिए पेनल्टी लगाई है। अब ये पेनल्टी क्यों लगाई है, ये पेनल्टी इसलिए लगाई है बिकॉज क्या हुआ था, जो ये स्टॉक था इसके अंदर क्या कर चल रहा था दोस्तों, एक साजिश चल रही थी इन्वेस्टर को लेके। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक योजना बताऊंगा, पंप एंड डंप योजना। अब आप ये सोच रहे हो कि सर पंप एंड डंप योजना क्या होती है, पहली चीज तो ये चीज समझो पंप एंड डंप क्या होता है। अब क्या हुआ था, जिस स्टॉक के बारे में मैंने बात करी है आपको, सबडीम व्यापार उद्योग, यहाँ पे क्या करा था दोस्तों, इसके अंदर जो 11 लोग थे, अब ये 11 लोग कौन से होंगे दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर के अलावा भी उसमें बहुत से कर्मचारी होते हैं, उन्हीं कर्मचारी में से ये 11 लोग हैं। अब इनने एक्चुअल में क्या करा, इन्वेस्टर को गुमराह करा। गुमराह कैसे करा, पहली चीज तो ये है इनने क्या करा, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जैसे टेलीग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, आपका व्हाट्सएप चैनल हो गया, इसके माध्यम से क्या करा है, लोगों को गुमराह करा है इन्वेस्टर को। अब कैसे करा है, पंप एंड ड्रंप। अब पंप एंड ड्रंप का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इन लोगों ने क्या करा, मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो 100 इन्वेस्टर को इनने बताया कि भैया आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अभी इसकी वैल्यू कम है लेकिन आने वाले टाइम में 5 से 6 दिन बाद इसका मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है, मतलब क्या होने वाला है, पंप होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो पंप का लालच देके क्या करा, इनसे पैसा इन्वेस्ट करवा दिया। अब जैसे ही इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा तो एक्चुअल में क्या है, जो ये स्टॉक था वहां का मार्केट डाउन हो गया, डंप हो गया, तो इन्वेस्टर का नुकसान हो गया। अब बात ये आती है कि सर पंप एंड डंप स्कीम कहाँ पे वर्क करती है, ये स्कीम दोस्तों उस स्टॉक में वर्क करती है, उस कैटेगरी में वर्क करती है, उस उद्योग में वर्क करती है जो स्मॉल कैप के होते हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों पेनी स्टॉक। अभी पेनी स्टॉक क्या होता है, पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका वैल्यूएशन होता है, जिनका वॉल्यूम होता है, ट्रेड का वॉल्यूम होता है वो कम होता है, अगर आप ट्रेडिंग का उसका प्राइस देखोगे, उसकी वैल्यू देखोगे वो भी कम होती है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, ये ऐसे स्टॉक को पकड़ते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है और इन्वेस्टर को झांसा देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसकी वैल्यू है बढ़ जाएगी कुछ दिनों में और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेबी ने इसके बारे में प्रॉपर देखा कि भैया स्टॉक में, स्टॉक की जो पहले वैल्यूएशन थी वो कुछ और थी, कम थी, लेकिन अब जो वैल्यूएशन है वो उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो क्यों बढ़ी, तो सेबी ने जब अंदर की पूरी जांच करी तो पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या करा जा रहा था, इन्वेस्टर को गुमराह करा जा रहा था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो इस तरीके का आपको बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो सेबी ने सिंपली क्या करा, जो 11 लोग हैं जिनने ये हरकत करी है, पहली चीज तो है इनका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया, जिससे अब ये किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट कराने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज सेबी ने क्या करा है, 7.75 करोड़ का क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था केंद्रा रेबोको के फंड के बारे में। अब केंद्रा रेबोको है उसमें भी सेबी ने क्या करी है, पेनल्टी लगाई है, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक मैं वीडियो बनाऊंगा, आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कंप्लीट मैंने बता दिया दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में नहीं फंसना है जो आपको ये बोले कि आप मुझे पैसा दो मैं आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करके दूंगा, किसी भी एजेंट जो आपको एजेंट ऐसा लगे कि यार ये हमारा बेनिफिट तो नहीं है, खुद का बेनिफिट सोच रहा है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सिंपली आपको आपका इन्वेस्टमेंट खुद से फंड का एनालिसिस करना है, मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है,
कि आप खुद से किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे कर सकते हो, मार्केट का एनालिसिस कैसे कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप खुद से अपना फंड का सिलेक्शन करके इजीली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस वॉच करो, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जानकारी मिल सके। तो कंप्लीट मैंने बता दिया है, ऐसे लोगों से बच के रहना जिससे आपका फ्यूचर में लॉस हो सकता है। तो कंप्लीट जानकारी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल ही गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।